फिर मैं जब ये तो सोलह बोला तो मैं बहुत लेकिन सोलहवीं लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के कार्य समिति की बैठक हो रही थी जो मुझे अर्जुन मेघवाल संस जो हमारे चीफ हुक थे पार्टी के उन्होंने बताया मैं उनकी बात कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि आपको बजट सामान्य बजट पर बोलना है जो भाषण सबसे ज्यादा हिलाया देश को जिसमें नरेंद्र मोदी हंसे भी और रोए भी तो उसी में प्रसंग सब आए जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ साथ संपूर्ण हाउस के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए क्या क्या कहा था आपने लोटपोट हो गए और दूसरे तरफ या फिर उसको लेकर के मैं दूसरे तरफ उलट के जब बोलते गया तो नरेंद्र मोदी के आंख के आंसू भी नहीं रुक पाए okay. मैं जब बोलता हूं तो मुझे खुद खुद नहीं पता रहता मुझे खुद भी पता नहीं रहता कि मैं बोल रहा हूं मैं उसको भूल जाता हूं इसलिए मैंने कहा था कि वीरप्पा मोइली जी आप जहां से बोल रहे हैं वह है इंडिया मैं जहां से बोल रहा हूं वह है भारत दोनों में इतना का फ़र्क है इतना का फर्क है आप भी वो भी सी समाज के हैं मैं भी वो भी सी समाज का हूँ लेकिन दोनों के दृष्टि में यही फर्क है तो मैं उसी बोलते के क्रम में मुझ मैंने सुनाया कि मैं भाई सतहत्तर में लोकसभा में जीत के आया तो मुझे बड़ी इच्छा रहती थी कि घूम घूम करके दिल्ली के सड़क को देखें तो मैं टहलते टहलते चला आया एक दिन इंडिया गेट के फुटपाथ पर चल रहा था तो ये गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी में एक कुत्ता बैठा था एक मैडम बैठी थी पीछे सीट पर कुत्ता गेट से अपना गर्द सर बाहर निकाले हुआ था और अपने कुत्ता का स्वभाव है जी लप लप, लप लपा लप, लप लपा रहा था इसे देख रहा था तो गाड़ी चली गई लेकिन मैं खड़ा होकर सोचने लगा कि कुत्ता मेरी ओर देख देख करके जरूर कुछ कह रहा था Mm -hmm. मेरे मन के अंदर विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी आखिर एक कुत्ता मुझको चैलेंज कर रहा है इस आजाद भारत में कि तुम्हारी हैसियत मेरे बराबर नहीं है आखिर कुत्ते से भी बदतर जिंदगी अगर जीने के लिए कोई मजबूर किया तो कोई नहीं किया वो सामने थे मैं मैंने कहा मजबूर किया तो यही लोग हैं कांग्रेस वाले इसलिए मेरे अंदर वो ज्वाला आज भी प्रज्वलित है कि मैं चाहता हूं कि कितनी जल्दी इनको नाश कर दूं जिससे कि इस स्थिति से हिंदुस्तान को निकलना पड़े